मैंने मैंने अपनी जिंदगी में इतने बब्बर शेर एक जगह कभी नहीं देखे पहले। आमतौर से बब्बर शेर जंगल में अकेले घूमते हैं, एक साथ नहीं आते। यहाँ पे हजारों बब्बर शेर एक साथ खड़े हो गए और कहना पड़ेगा भाइयों और बहनों, बब्बर शेरों आप सबका स्वागत, और कहना पड़ेगा कि मीडिया के हमारे मित्रों आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत। मगर भाई ये जो मीडिया के मित्र हैं हमारे मित्र नहीं है, अखिलेश जी और मेरे नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के और अदानी के मित्र हैं, अंबानी के मित्र हैं। आपने देखा होगा अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछो कि हिंदुस्तान में क्या मुद्दे हैं, वो आपको बोलेगा बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी। मगर अगर आप मीडिया से पूछो हिंदुस्तान में कौन से मुद्दे हैं, तो कहेंगे देखो देखो अंबानी जी की शादी हो रही है, देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कोविड के समय बोला थाली बजाओ, देखो देखो क्या कमाल की बात बोली। कोविड आता है, गंगा में लाशों के ढेर लग जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं भाई और बहनों मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, थाली बजाओ, और मीडिया के मित्र कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात बोली प्रधानमंत्री ने, क्या बात बोली। मगर अब काफी मजा आ रहा है, क्योंकि जो भी मैं चाहता हूं मैं प्रधानमंत्री के मुंह से बुलवा सकता हूं। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी आप अदानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो, दो दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अदानी अंबानी। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक 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 पैसा डालेंगे, नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक 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 टकाटक। आप मुझे बताओ क्या बुलवाना है नरेंद्र मोदी से, मैं कल बुलवा देता हूं, दो मिनट लगेंगे। और अगर कुछ नहीं बुलवाना है वो भी बता दो, नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं, जैसे जैसे कहते हैं ना गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और इसका भाई और बहनों कारण है, ये ऐसे ही नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के गरीब लोगों का अपमान किया है, 22 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया उन्होंने कर्जा माफ किया। भाई और बहनों 24 साल का मनरेगा का पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया, यूपीए की सरकार थी, हमने हिंदुस्तान के सब किसानों का कर्जा माफ किया था। अगर आप उतना ही पैसा 24 बार किसानों का कर्जा माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों को दिया। किसानों का अपमान किया, काले कानून लाए, मजदूरों को कोविड के समय घर पैदल भेजा, हजारों किलोमीटर मजदूर पैदल चल रहे थे, और नरेंद्र मोदी कहते हैं भाई और बहनों थाली बजाओ थाली बजाओ थाली बजाओ। इसीलिए 4 जून नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, इंडिया की सरकार आएगी, और वो सरकार
आपकी सरकार होगी, किसानों की, मजदूरों की, छोटे व्यापारियों की, युवाओं की सरकार होगी। भाई और बहनों, युवा ने, और मैं भाई पूरे देश में मीटिंग कर रहा हूं, पूरे देश में युवा ने मन बना लिया है, नरेंद्र मोदी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। भाई और बहनों, लड़ाई इस किताब की है। यह जो है ना, इसके बिना हिंदुस्तान नहीं बच सकता। यह जो किताब है, यह आपकी किताब है, यह आपकी रक्षा करती है, अदानी अंबानी से आपको बचाती है, आपको जमीन का हक दिलवाया, आपको रोजगार दिलवाती है, आपको आरक्षण दिया, आपको पब्लिक सेक्टर दिया। इस किताब को बीजेपी के लोग खत्म करना चाहते हैं, फाड़ के फेंकना चाहते हैं। मैं आप सबके साथ मिलके बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोग सपने मत देखो, इस किताब को कोई नहीं मिटा सकता है।